अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, जागो मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे ला...
लाड लो जागो, मेरे लाड लो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास, ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रू रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ, ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं, तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आँखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आँखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक यह गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाड लो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहां पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे, तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे, वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं, उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे, आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। ओ
विश्व आधार, युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला, घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला, हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया, संगम युग में आकर उसने सबको गम से दूर किया, भस्म किया विकारों को ज्ञान से भरपूर किया, डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जन ने किया श्रृंगार, महक था गुणों का गुलशन चारों ओर छाई बहार, स्वर्णिम युग आया धरा पे जन जन ने किया श्रृंगार, महक था गुणों का गुलशन चारों ओर छाई बहार, परिस्थान की परियों ने शिव की झलक दिखाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने आकर उसने
पर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। मार्च कर दे मैं पवित्रता की मूरत हूँ, मैं परम पवित्र परम पिता परमात्मा की पवित्र संतान हूँ। ये जन्म मुझे स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा दिया है। ये मेरा पवित्र जन्म है। महसूस करें मेरे अंदर छिपी पवित्रता, धीरे धीरे मन बुद्धि संस्कारों में इमर्ज रूप में आ गई है। मेरे संस्कार इन पंच तत्वों के शरीर द्वारा इस सृष्टि नाटक पर, मेरी दृष्टि द्वारा, मेरे बोल द्वारा, मेरे कर्मों द्वारा प्रकट होने लगे हैं। देखें आत्मा से निकलती पवित्र किरणों को जो संपूर्ण मस्तिष्क में फैल गई हैं। मेरे ये नैन अब हर आत्मा को उसके पवित्र स्वरूप में देख रहे हैं। वही स्वरूप जो सत्य है, जो चैतन्य है, जिसमें जड़ता का अंश नहीं है, जिस नजर से स्वयं परमात्मा हमें देखता है। मैं भी उसी नजर से संसार की हर आत्मा को देख रही हूं। पवित्र हो गए हैं ये नैन, यही तो सत्यता है मेरे जीवन की, यही सत्यता है जिसके साथ मैं इस धरा पर आई थी। देखो ये पवित्रता मेरे मुख से निकलते हर बोल में आ गई है। हर शब्द पवित्र, हर शब्द शुद्ध, सबके लिए शुभ, कोई दुखदाई कमजोर बोल नहीं। पवित्रता मेरे हर लफ्ज का हिस्सा बन गई है। हर वचन हर आत्मा के दिल को छू जाता है। हर बोल में सिद्धि आ गई है।
मुख से निकलता हर वचन वरदान बन रहा है। देखो ये पवित्रता मेरे संपूर्ण जीवन को महान बना रही है, श्रेष्ठ बना रही है। देखो पवित्रता मेरे रोम रोम में फैलती है। ज्ञान सूर्य फिर से शिव प्यारा।
हस्तों से होता हर कर्म, सुखदाई, सबके लिए कल्याणकारी, जिसमें हर आत्मा के प्रति प्रकृति के हर तत्व के प्रति प्यार है, सम्मान है, सद्भाव है। मेरे हर कर्म द्वारा ईश्वरीय चरित्र उसका चित्रण हो रहा है। मेरे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जा रही है। प्राप्ति ही प्राप्ति है, सबको मेरे द्वारा वरदान, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और गुणों की खान मिल रही है। मैं गुण मूरत बन गई हूं। पवित्रता मेरे अंतर को शांत सुखदाई बना रही है। महसूस करें अपने जीवन की श्रेष्ठता को, महसूस करें इस पवित्र जीवन की महत्ता को, अनुभव में लाएं, अपनी इन योग्यताओं को मैं पवित्रता की देवी हूं। परमात्मा ने इस पवित्रता के सर्वश्रेष्ठ गुण द्वारा संपूर्ण संसार में पवित्र आत्माओं का संगठन बना दिया है। देखो, सारे विश्व में पवित्र आत्माओं का विशेष संगठन फैला हुआ है। हम सब इस संपूर्ण संसार को पतित से पावन बनाने के निमित्त हैं। स्वयं परमात्मा ने अपने दिव्य कर्तव्य के लिए हमें चुना है। चले ऊपर, हम सब चलते हैं ऊपर।
और ऊपर, अपने सूक्ष्म शरीर को धारण कर पवित्रता के इस स्वरूप में, उस पवित्र स्थान में जहां स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में फरिश्ता रूप धारण किए दोनों हाथ पसार कर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। देखो कितना सुंदर, कितना मनमोहक दृश्य है ये। फरिश्तों की सभा लगी है सूक्ष्म वतन में। और सर्वश्रेष्ठ फरिश्ता ब्रह्मा बाबा अपने हस्तों, अपने मस्तक और दृष्टि द्वारा हम आत्माओं को इस संपूर्ण संगठन को शक्ति और पवित्रता की विशेष वाइब्रेशन लाइट और माइट के रूप में हमारे अंतर में भरते जा रहे हैं। अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा प्यार है, भाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार है। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो।
अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा, बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा, तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। Thank you.
का प्यार
सागर में मन लहराए जिसका नहीं किनारा है, शिव का प्यारा ब्रह्मा बाबा प्यारा पिता हमारा है। उठी धरा से गगन में गूंजी एक यही स्वर धारा है। मेरा बाबा के साथ काफी सालों तक यही संबंध रहा, क्योंकि मुझे बाबा से वो जो दादा नाना की फीलिंग के साथ मैं उनको मिली ना, और मुझे प्राप्ति भी दादा नाना की हुई, तो बाबा मुझे वैसा प्यार देने लगे जैसे कोई एक पौत्र को पौत्री को दादा नाना प्यार देते हैं। उसी प्रकार मुझे बुलाना, उनके कमरे में आना जाना, बैठना, बातें करना, मेरी छोटी छोटी इच्छाओं को बाबा पूरी करते थे। तो ये मेरी पालना जो हुई ना, वो एक दादा और पौत्री की जैसे होती है वैसे हुई। तो इसीलिए मेरी बुद्धि में आज भी ब्रह्मा बाबा मेरे नाना और दादा हैं। आज भी मैं उनको वैसे ही देखती हूँ, स्मृति में आता है, और मैं उनको वैसे ही याद करती हूँ। जब कोई छोटी सी भी बात मुझे फील होती है तो मैं तुरंत जैसे छोटा बच्चा दौड़ के अपने दादा नाना को बताता है, मैं तुरंत बाबा के कमरे में जाके बैठती हूँ और मैं कहती हूँ, देखो बाबा मुझे ये ऐसी बात हो गई, मुझे ये बुरा लगा, बस बता दिया, मेरी स्थिति चेंज, तुरंत जैसे मैं खाली हो जाती हूँ। तो मेरा संबंध आज तक भी यही रहा। Thank you.
और वो सबका फादर है नहीं, क्राइस्ट सबका तो फादर नहीं है नहीं, सबका फादर तो गॉड फादर है नहीं, वो तो इनकॉर्पोरियल है और हम भी आत्माएं सभी इनकॉर्पोरियल है, तो हम सभी आत्माओं का इनकॉर्पोरियल आत्माओं का सभी वो फादर है जिसको ये आत्माएं पुकारते हो गॉड फादर, तो फादर वो है नहीं, क्राइस्ट तो उनका सन कहते हो नहीं, तो जबकि सन है क्राइस्ट तो सन से फिर सभी सन्स को कैसे मिलेगा, सभी सन्स हो गया नहीं एक का, क्योंकि क्रिएटर है सबका, पीछे क्राइस्ट भी है, सब जो धर्म वाले बड़े बड़े आते हैं धर्म स्थापन करते वो भी तो सन्स है नहीं, फिर सभी सन्स ही सन्स है, हम भी क्राइस्ट के कहते हैं अच्छा हम भी सन्स है क्राइस्ट के, परंतु गॉड फादर के तो हमको वर्षा नहीं गॉड फादर से लेना है नहीं, कोई क्राइस्ट से तो नहीं मिल सकता, वो भी क्रिएशन है ना, वो क्रिएटर है नहीं, तो इनहेरिटेंस उनसे मिलते हैं, उनको याद करने से क्राइस्ट को याद करने से, ऐसे लिखा ही नहीं है बाइबल में, क्राइस्ट को याद करने से जो आत्मा तमो प्रधान बन गई सो सतो प्रधान बन जाएंगे, ऐसे लिखा ही नहीं है बाइबल में, भी नहीं लिखा है कोई भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है सवाय इस गीता में, कि मुझे याद करने से तो वो आके कहते हैं नहीं, तो उनके उन्हीं के ही शास्त्र में होगा नहीं, तो उनका शास्त्र तो है गीता और तो दूसरा तो कोई शास्त्र है नहीं, तो उसका बाप का नाम निकाल के कृष्ण का मनुष्य डाल देने से फिर देखो भक्ति मार्ग में यही जूठी सब कुछ हो गया एकदम, तो कोई भी मुसलमान हो उनको भी सिर्फ ये ऊंचे थे ऊंचा अल्लाह ऊंचे जब बाप है सबका रचता है सबको और वही सबको वो इनहेरिटेंस सुख और शांति का दे सकते, वो बता देना चाहिए ना अच्छी तरह से कि भाई जब गोल्डन एज सत्य की नई दुनिया थी तो बराबर थोड़े मनुष्य थे। शांति, आज की तारीख है 13/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए कई प्रकार की अलग अलग अंगों की एक्सरसाइजेस करते रहते, परंतु आत्मा की उन्नति के लिए क्या जरूरी है वह तो कोई बता नहीं पाते हैं, तो बाबा बताते हैं कि आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं, ये बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फिर बाबा की जिम्मेवारी है, तो बाबा आते हैं तो बतलाते हैं। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर, कि बच्चे अपनी उन्नति के लिए नंबर एक सदा याद की यात्रा पर रहो, याद से ही आत्मा की झंक निकलेगी, नंबर दो कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो, नंबर तीन शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो लेकिन जो भी टाइम मिले उसे वेस्ट मत करो, बाप की याद में टाइम को सफल करो, नंबर चार कम से कम सुना सभी ने कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु, नंबर एक कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस का अपना टाइम सफल करना है, बाप जैसा गुणवान बनना है, नंबर दो जो बीता
उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। बाबा कहते हैं कि होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता कि ये काम की चीज है या नहीं है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। ये स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को, बीच में रोक कर अपने फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।